रोटी का यम्मी सैंडविच बनकर तैयार हो गया है, इसको गर्म गर्म खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। अगर आपको हमेशा की तरह हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। रोटी का सैंडविच बनाने के लिए हमने देखिए एक लोई ली है, थोड़ी सी बड़ी ली है। अब इसको हम पहले बेलकर तैयार करेंगे, जैसे आप रोटी बेलते हैं ऐसे ही इसको बेलकर हम तैयार करेंगे। रोटी जैसे जितनी पतली रहती है उतनी ही रखिएगा। इसका एक हम हेल्दी सैंडविच जो खाने में बहुत टेस्टी है और बनाना भी बहुत आसान है, ये रेसिपी हम आज आपको बनाकर दिखा रहे हैं। आप फटाफट बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टिफिन आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। देखिए हम इस तरह से इस रोटी को बेल लेंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी है जितनी हम लोग रोटी नॉर्मल रोटी बनाते हैं, इसी तरह की हमने रोटी बेलकर सब तरफ से तैयार कर ली है। अब इसको हम सेकने के लिए हमने ये देखिए एक तवा चढ़ाया है, तवा हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब इस पर हम रोटी को डाल देंगे। रोटी को जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसको हम टर्न करेंगे। आंच को हम धीमा रखेंगे और रोटी को दोनों तरफ से पलट पलट कर हम बस 50-60% पकाएंगे, क्योंकि अभी हम इसको फिर से सैंडविच जब बनाएंगे तो इसको हम फिर पकाएंगे। बस इस तरह से दो कुछ सेकंड के लिए इससे दोनों तरफ से हम बिल्कुल व्हाइट कलर हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमको उतार के, अभी देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसका चलते हैं हम सैंडविच बनाने। सैंडविच बनाने के लिए देखिए हमने दोनों तरफ से रोटी को 60-70% पका लिया है। अब इससे हम बीच से एक कट लगाएंगे, बीचों बीच से सेंटर से इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कट गया है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले एक तरफ हरी चटनी लगाएंगे। ये सैंडविच खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बनाना तो देखिए बहुत आसान है। जो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, आप इस तरह से कोई भी सब्जी का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हम इसमें इसके ऊपर हम टमाटर रखेंगे। इसके बाद हम एक तरफ केले की भुजिया रखेंगे। ये भुजिया बहुत आसानी से बनती है, इसकी रेसिपी हम बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से हम एक साइड में केले की भुजिया रखेंगे। हरी सब्जी केले जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरह से हमने एक साइड पे केला रख दिए हैं। अब हम दूसरी तरफ केचप लगाएंगे, इससे बच्चों को खाने में बहुत मजा आएगा। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर हम प्याज रखेंगे। चौथी साइड पर हम फिर हेल्दी सब्जी रखेंगे। चौथी साइड पर हम रख रहे हैं बीन्स की भुजिया। बीन्स की भुजिया बहुत ही फायदेमंद और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। बच्चे जो हैं हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इस तरह से इनको सैंडविच बना के देंगे तो आप बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। अब इस सैंडविच में एक हम बहुत ही मजेदार ट्विस्ट करेंगे जिससे कि बच्चों को खाने में और मजा आ जाएगा। अब हम इस पर और टेस्टी बनाने के लिए, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, उसको हम ये देखिए चीज के क्यूब लिए हमने। आप इस तरह से क्यूब भी ले सकते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं। इसको हम सब तरफ ग्रेट करेंगे। आप किसी भी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो सब्जियां हम प्रयोग कर रहे हैं वही आप प्रयोग करिए। चीज को हमने सब तरफ ग्रेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले हल्का सा नमक डालेंगे। आप टमाटर और प्याज पर डालिएगा, क्योंकि सब्जियों पर मत डालिएगा, क्योंकि सब्जियां जो हैं भुजिया हमने बनाई है तो उन पर हल्का सा नमक डाल दिया है, नमक डाल दिया है। अब चाट मसाला हम सब जगह डालेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो रही है, जिसको आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। थोड़ा सा हम हरा मिर्चा डाल रहे हैं, ये लाल मिर्चा डाल रहे हैं, आप हरे मिर्चे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको हम सैंडविच की तरह इसको टर्न करेंगे। सबसे पहले हम ये भाग को, वाव, हल्के हाथों से इसको हम दबा देंगे। इसके बाद हम फिर इसको इस तरह से टर्न करेंगे।
और लास्ट में हम टमाटर को, ये देखिए एक हमने पैन चढ़ाया है, पैन को जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बटर डालेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे, आधा चम्मच बटर है। बटर के पिघल जाने पर हम इसमें बस आधा चम्मच ब्रेड बटर। अब इसको हम, हमारा बटर अच्छी तरह से वो हो गया है, अब इस पर हम अपनी ये जो सैंडविच बनाई है इसको रख देंगे और दोनों तरफ से इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। आंच को धीमा रखिएगा। अब दूसरी तरफ भी हम बटर लगाएंगे, बटर को चारों तरफ फैला देंगे और इसको टर्न करेंगे, दोनों तरफ से पलट पलट कर खूब क्रिस्पी बनाकर तैयार करेंगे। अब इसको हम टर्न करेंगे, आगे हाथ लगा लीजिए। या वाओ, ये कितना बढ़िया हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। आंच को धीमा रखिएगा, पलट पलट कर इसको आप सब तरफ से सेक लीजिएगा। अब किनारों को पकाने के लिए हम एक चिमटे से इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए हम ऐसे कर देंगे। देखिए इसके जो किनारे हैं वो भी पक जाएंगे। पकी हुई रोटी है और इसमें सारी सब्जियां भी सब पकी हुई हैं, तो हमको बस ऊपर ऊपर इसको क्रिस्पी करना है। रोटी का यम्मी सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। इसको गर्म गर्म खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। अगर आपको हमेशा की तरह हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।